हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरी दीदी भिंडी काट रही है बच्चों का लंच बनाने के लिए और सासू माँ की चाय बन रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई है। कल रात को ही लगाने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, तो आज सुबह ही उठी 4 बजे और सबसे पहले मेहंदी ही लगाई, क्योंकि रुद्राभिषेक है कल, तो एक हाथ में आज लगाऊंगी एक हाथ में कल। इसीलिए अभी 1 घंटे तक रख लूँगी तो चढ़ जाएगा मेहंदी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत जल्दी मेहंदी चढ़ जाती है। तो यहाँ पर सासू माँ को चाय दे दिया मैंने और फिर बच्चों का भी लंच वंच दिए बना दी। यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, सुबह का ही टाइम है, 7:30-8 बज रहे हैं। अभी आधा 1 घंटे में मैं भी अपना मेहंदी धुल दूँगी, तब तक सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर अम्मा और दीदी सासू माँ सब लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मैं भी नहा धो करके आ गई हूँ, मेहंदी उंदी चढ़ चुका है। और आज है शनिवार 19 अगस्त, कल है संडे, कल है हमारे घर रुद्राभिषेक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप तो हो गया है नहाना धुना पूजा पाठ, चल रही खाना बनाने। और सासू माँ सब लोग बैठे हैं, दीदी भी जा रही है नहाने, भजन बजा। और यहाँ देखिए मेरी सासू माँ कितनी खुश है भजन बजा कर। अरे राम रे, तो ओन लगा के बजा रहे थे। फिर उसके बाद मेरे जेठ जी आ गए थे, तो आज शनिवार है, उनको लेकर के जाएंगे संकट मोचन विश्वनाथ मंदिर दर्शन कराने। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं और सासू माँ भी बैठी हैं, चाय पानी कर रही हैं फिर से। और यहाँ पर देखिए दीदी भी नहा धो करके आ गई हैं। और ये मेरे जेठ जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड से बड़े हैं। और यहाँ पर देखिए सासू माँ अपना दे रही है पैसा वैसा प्रसाद चढ़ाने के लिए पूजा का संकट मोचन में। अभी किसी दिन दीदी भी जाएंगी, एक बाइक से कितने लोग जाएंगे, इसलिए आज केवल भैया जा रहे हैं। फिर जब रुद्राभिषेक हो जाएगा तब एक आध दिन बाद दीदी को भी ले जाएंगे घुमाने बनारस। हस्बैंड जी और जेठ जी गए दर्शन करने और आज मेरी मम्मी भी आएंगी रुद्राभिषेक के लिए, तो हम लोगों के यहाँ से कल पैसा वसूल हो जाएगा, इसलिए आज ही आई हैं। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी आ गई हैं और आते ही लग गई काम में। आज बन रहा है गुलाब जामुन सभी लोग के लिए, जो कल सब लोग आएंगे उनको पानी वानी पिलाने के लिए। तो मम्मी भी थोड़ी देर पहले आई थी लेकिन मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई, उतना याद नहीं रहता काम धाम में ना कि कोई आया है तो चलो मोबाइल लेकर ही खड़े रहो, बातचीत करने लगे हम लोग फिर भूल गए। और यहाँ पर भैया भी आ गए हैं दर्शन करके और मेरे हस्बैंड जी आम का पत्ती बेलपत्र वगैरह भी तोड़ लिए हैं, क्योंकि फिर कल टाइम नहीं मिलेगा, सुबह से ही पंडित जी आ जाते हैं, इसलिए आज ही बेलपत्र वगैरह तोड़ लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा देखिए एक एक पत्ती छाँट रहा है, उसमें कोई पत्तियाँ होती हैं ना छेद वगैरह रहती हैं तो खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। और दीदी यहाँ पर सो रही हैं तान के, क्योंकि सुबह से उठी थी थक गई हैं।
और इधर देखिए गुलाब जामुन बन रहा है। एक तरफ कढ़ाई में सीरा बनने के लिए रखा हुआ है और इसमें छानेंगे। यहाँ पर गोली बन गया है गुलाब जामुन का। देखिए मेरी मम्मी दो चाठो डाल करके ट्राई कर रही हैं। मेरी मम्मी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाने आता है, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आज ही आ जाओ। वैसे आती कल पूजा वाले दिन, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके बुला लिया एक दिन पहले ही। और यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है। अब ये कल अच्छे से खाने लायक होगा। बनाते बनाते एकदम शाम हो गई है। देखिए बाहर अंधेरा लग रहा है खिड़की के बाहर, और हम लोग इतना थक गए कि अब मेरी दीदी खाना बना रही हैं। तो आज सैटरडे का ब्लॉग बस इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे संडे को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मेरे घर रुद्राभिषेक है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी माला बना रहे हैं तोरण द्वार पे टांगने के लिए, आम का पत्ती और गेंदे का फूल का। और मेरा बेटा यहाँ पर राम राम लिख रहा है, पूजा कर रहे हैं। सुबह सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरी दीदी ननद जी किचन में है, तो चलिए देखते हैं वो क्या कर रही है। सब्जियाँ? अरे हाँ, अब जितना आज निकाल दो उतना। एदा तू अपने मन से निकाल दा पंजीरी, एदा हर चीज तू बतावा। हाँ ठीक बदाइया इतना बनाई थी मार्चा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं तोरण, तो मैं आके बता रही हूँ ये सब ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि वो कभी बनाए नहीं हैं, हमेशा मैं ही बनाती हूँ। लेकिन आज मैं अंदर काम में फंसी हुई हूँ, तो देखिए मेरी मम्मी भी आ गई। वो भी बिलपत्र पर लिख देगी ओम नमः शिवाय, तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे जेठ जी खड़े हैं, उनको पता नहीं है कि मोबाइल लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो ऐसे नहीं खड़े होते, भूल गए शायद, मतलब देखे नहीं होंगे। ड्राईपॉट में मोबाइल लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर अपना काम में लगे हुए हैं, मतलब आज सभी लोग व्यस्त हैं, बच्चे से लेकर बड़े। बस मेरी दीदी के लड़के और मेरा छोटा बेटा दोनों लोग लेकर दीदी का मोबाइल गेम खेल रहे हैं, बाकी सब लोग काम में लगे हुए हैं। अम्मा भी आ गई देखने की क्या हो रहा है, उनका अकेले मन नहीं लगता, और वीडियो बनाते देख के बहुत खुश होती है। तो देखिए यहाँ पर लगभग सारे बिलपत्र में लिखा ही चुका है, 108 बिलपत्र पे लिखना था और सब सादा था, कल ही सब लोग तोड़ के ले आए शनिवार को ही। और आम का पत्ती, और यहाँ पर भैया भी लगे हुए हैं तोरण बनाने में। और अब आ गई किचन में, देखिए किचन में मेरी दीदी का पंजीरी भुजा रहा है। अब मुझे भी चलना है और काम करने से, पूजा का सामान निकाल के रखना है थाली वगैरह में, क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो ही गया है। 11 बजे बोले थे, लेकिन शायद कहीं और रुद्राभिषेक करवा रहे थे मंदिर में पे, तो फिर उनको आने में 1 बज गया। और ये सब काम धाम तो 10 बजे ही हो रहा है,
और मैं भी अपना सब लगी हुई थी, डोरमेट वगैरह बिछा रही थी नया नया सब जगह, क्योंकि सब लोग आने ही वाले थे अगल बगल के जिनको बोला गया था कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर अब मैं पूड़ी बना रही हूँ क्योंकि अब दीदी चली गई कुछ और करने, मतलब कोई आज के दिन खाली नहीं था, सभी लोग कुछ न कुछ काम कर ही रहे थे। कहाँ आई बाटी? इधर देखी, कहाँ आई भाई? चल भाई बैठो। राखी धीरे धीरे बदल गई, पहले जैसा नहीं है। क्या देखा थोड़ा ध्यान से तो आगे देख के हंसत है, जरूर लार भैया हूँ। सुपारी इनके तो अवसाद है। पूजा का सामान सब थाली में अच्छे से रख दे रही हूँ क्योंकि पंडित जी को अब तो अब लेट हो ही रहा है, आएंगे तो फिर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बनाएंगे तो और लेट होगा, इसलिए सारा सामान मैं अच्छे से करके रख दी कि उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। यहाँ पर देखिए थाली में सब कुछ मैं सजा करके रख दी, एक थाली में फल फूल मिठाई नारियल और जो भी रोरी रक्षा चंदन, मतलब सब कुछ अच्छे से करके रख दी। और ये रहा मेरा मंदिर, सासू माँ बस बैठ कर के देख रही हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और मेरे हस्बैंड जी पंडित जी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं। और हम लोगों को यहाँ ये पहली बार रुद्राभिषेक हो रहा है, अपने हाथों से मैंने नहीं कभी करवाया है, बड़ी इच्छा थी कि अपना मकान बन जाएगा तो रुद्राभिषेक करवाएंगे, तो फाइनली वो भी दिन आ ही गया। यहाँ पर देखो भैया बैठे हुए हैं, यहाँ पर अंदर में काम ज़्यादा नहीं था, बस इधर उधर करना ज़्यादा था। मैं दीदी किचन में लगी हुई हैं, अगर दीदी ना आती तो कैसे सारा काम होता। देखिए फाइनली सब कुछ सजा करके रख दिया गया है, यहाँ पर समधन लोग की बातें चल रही हैं और मेरी दीदी का खाना बन रहा है शाम का, क्योंकि सारे के सारे लोग व्रत हैं, सभी लोग शाम को ही खाएंगे, तो कोहड़ा का सब्जी बन रहा है और फिर सूरन की सब्जी बनेगी, बिना प्याज लहसुन का ही बनाना है, तो बच्चे भी रेडी हो गए कुर्ता उर्ता पहन करके। और यहाँ पर मेरी दीदी इनको पैर में लगा रही है महावर, नाउन नहीं आई क्योंकि कहीं और रुद्राभिषेक था तो कहीं और गई थी, एक ही नाउन है तो इसीलिए दीदी ही सब कर रही हैं। पैर में लगाएंगी चिरई जो भरा जाता है, जैसे शादियों में भरा जाता है पूरा पैर तक पंजे तक, तो वही दीदी लगा मम्मी हट जाओ आधा दिख रही हो। बन गया, मेरी मम्मी अभी सूरन की सब्जी बनाई और आटा वाटा भी मैंने गूंथ करके रख दिया, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मैं हो चुकी हूँ तैयार, तैयार हो रही हूँ और यहाँ पर मम्मी से बात भी कर रही हूँ। मेरी मम्मी की थोड़ी कमर की प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं तो कमर दुखने लगता है, इसलिए मेरी मम्मी आकर के लेट गई, क्योंकि कल गुलाब जामुन बनाई इतना देर तक खड़े खड़े और आज फिर अभी खाना बनवा रही थी दीदी के साथ तो थक गई हैं। मेरे हस्बैंड जी मुझको बोल रहे हैं काम कुछ नहीं कर रही हो, बस इधर से उधर घूम रही हो, तो इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि
मुझे ही सब कुछ पता है कौन सामान कहाँ रखा है, जो लोग मांग रहे हैं तो वही मैं दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं बस घूम रही हूँ इधर से उधर, तो थोड़ा कान वान मेकअप चेंज करके तैयार हो जाऊँ। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ रेड साड़ी पहन करके। इधर फिर दीदी भी आ गई, उनको भी तैयार होना है, वो ढूंढ रही थी नेल पॉलिश। मुझे भी याद आया कि अभी नेल पॉलिश तो मैंने भी नहीं लगाया है, बस साड़ी वाड़ी पहनी है। तो सभी लोग तैयार हो जाए, अच्छा हुआ पंडित जी दूसरे टाइम आएंगे, मतलब 1 बजे आएंगे, फिर 1:30-2 बजे से पूजा बैठेगा। अगर सुबह ही आ जाते तो सारा काम कैसे होता, खाना वाना बनाना, तैयार होना, फिर सुबह घर की धुलाई भी की थी, मतलब काम बहुत ही ज़्यादा होता है। एक छोटा सा भी कोई फंक्शन हो पूजा पाठ तो काम बढ़ जाता है। और मुझे उतना ज़्यादा मेकअप नहीं आता तो लाइनर काजल बस वगैरह थोड़ा सा लगा ली और थोड़ा सा पिंक पिंक आँखों में लगा लिया आई शेडो। फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना चनिया जैसी लग रही हूँ, ना एकदम पिंक पिंक जैसा चेहरा लगता है, क्योंकि ना तो मेकअप आता ही है ना तो मैं मेकअप करती हूँ, बस काजल बिंदी लिपस्टिक जितना होना चाहिए औरतों का बस उतना ही करती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, कपड़े वगैरह पहनेंगे, इनको भी तैयार, ये भी तैयार हो जाएं। फिर यहाँ पर दीदी भी तैयार हो गई, साड़ी वाड़ी चेंज कर ली क्योंकि सुबह से काम था, खाना वाना बनाना था तो हम लोग तैयार नहीं हुए थे। अब चूड़ी भी मैं चेंज कर लूँ, साड़ी के मैचिंग रेड चूड़ी चेंज कर लूँ क्योंकि पंडित जी भी बाहर आ चुके हैं, तो सीलिंग वगैरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कलश वगैरह सजाने की तैयारी कर रहे हैं और मेरा भाई भी आ गया है, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। हम 1 बजे बोले रहे, पंडित जी तो 11 बजे कहे रहे। अड़ोस पड़ोस के आते हुए कॉलोनी के सभी लोग, हाँ हम जाना तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 20 मिनट का हो गया है, तो आज बस इतना ही बना रही हूँ। इसके आगे का पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सभी लोग, मेहमान लोग आ चुके हैं, मेरे बच्चे महादेव वाला कुर्ता पहनकर बड़े प्यारे लग रहे हैं, येल्लो येल्लो। और पंडित जी यहाँ पर शिवलिंग बना रहे हैं मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी का ही शिवलिंग ज़्यादा अच्छा होता है, सभी के यहाँ वही शिवलिंग का ही पूजा होता ही है, मिट्टी के शिवलिंग का। तो
मेरी दीदी है, कल से आप लोगों को पर्चे नहीं करवाई हूँ, आज ले लीजिए। कल से आई है, कल से काम ही कर रही हैं, और एक दीदी तो नहीं आ पाई, और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं पूरे, और सब लोग आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड की जैसे ही सेम टू सेम इनका फेस दिखता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए अब पूजा बैठेगा तो उसका वीडियो मैं कल डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।